अनसुनी कहानी सुनो, सुनो 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 सुनो, एक 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 अनसुनी कहानी सुनो। कहानी सुनो, सुनो 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 सुनो, एक अनसुनी 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 कहानी सुनो। अरे अपने लिए सुनो, अपनों के लिए सुनो, अपने प्यार के लिए सुनो, अपने यार के लिए सुनो, अपने लिए सुनो, अपनों के लिए सुनो, अपने यार के लिए सुनो, प्यार के लिए सुनो। हम डीवाई पाटिल जनरल स्कूल के छात्र जागतिक एड्स दिन के बारे में आप सबको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी? किसने कहा कहानी? कौन सी कहानी? तेरी मेरी मेरी तेरी, ये वाली कहानी या तेरी मेरी तेरी मेरी, ये वाली कहानी? अरे अरे अरे, ये नहीं, ये तेरी भी कहानी हो सकती है, मेरी भी कहानी हो सकती है, ये हम सब की कहानी हो सकती है, अगर सही वक्त पर सही उपाय ना किया जाए, सही वक्त पर सही प्रिकॉशन ना लिया जाए, तो ये हम सब की कहानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रमेश और सुरेश ये दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे और दोनों ने अपने होशियारी के दम पर रिसेंटली पुणे के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या भाई, क्या चल रहा है? अरे एकदम जैसे, अरे कड़क एकदम कड़क, महफिल से जाएंगे। अरे भाई चल रहा, अरे गाड़ी निकल से, गाड़ी निकल से भाई। अरे अरे भाई क्या कर रहा है भाई? चल भाई बैठ। भाई मालूम माल लेके आएगा। अरे मेरे को लगा तो बनने को गया, लेके आया, खोलने को नहीं आता मेरे को, पकड़ रुकना भाई, भाई कड़क है ले रहे। जैसे दारू जैसी खट्टी मीठी बातें हैं ना, जैसी जैसे दारू जैसी चढ़ी मुझे आई तेरी ऐसी, जैसे दारू जैसी खट्टी मीठी बातें हैं ना, जैसी जैसे दारू जैसी। बंद करो रे। अरे भाई बातों का, चलो घर चलते। अरे रुकना, अभी तो आया पर बोल रहा, अभी तो असली मजा बाकी है भाई, अभी तो तेरे भी नहीं अपने। चल भाई गाड़ी निकाल। अरे निकाल ना भाई, गए ना तू बैठ भाई। अरे उधर ना गाड़ी करो, उधर एक मिनट रुक, बैठ गए क्या? हाँ भाई चला। रुकना भाई,
क्या करता रे बाय वापस बेटा तो अपने बात क्या बेटा अरे एक ही सीरीज क्या कर देगा भाई अपने को मैसेज से मतलब है मैसेज से मतलब है रुक 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 अरे भाई मजा है बाबा जी की बूटी बूटी ला बाबा जी की बूटी बूटी ला भाई किधर आ गए मेरे आपको भाई चल भाई अभी मैं चलते ए रुक तू बोल असली मजा तो आप भागे किधर जाने का भाई लालपेट अरे मर्द वाले मजे उधर ही चाहते भाई मेरे को नहीं आने का जाओ नाटक मत कर चल अरे चल यार भाई इधर इधर अपन चलते जाएंगे भाई भाई ध्यान मार सस्ता लगता है चल चलो नहीं डुप्लीकेट ला लगता ला सकती भाई इधर आ तो क्या पैकेट है क्या अपने अरे क्या पैकेट रही क्या करेगा पैकेट का ऐसे ही नहीं तो ये सो जाएगा अपने को क्या ऐसे ही क्या है सब है ना ऐसे ही है नहीं भाई तुम लोग क्या बंद है रुकना भाई जाओ भाई इधर रुकना जा रही अरे भाई रुकना आना आने थे मेरे को तो दोस्तों ये था हमारी कहानी का पहला पार्ट लेकिन वो कहते हैं ना कि हर एक कहानी पीछे कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है तो चलिए अब तक जो हमने कहानी देखी उसके पीछे क्या निष्कर्ष था ये हमारे जानते हैं हमारी सच्चाई के फरिश्तों से नमस्ते दोस्तों ये अफवाह है कि HIV और एड्स एक ही चीज है HIV अगर आपको HIV है तो आपको एड्स है हकीकत यह है कि HIV एक वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स एक कंडीशन है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV के कारण अपनी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है पर एड्स हम तभी कहते हैं जब इम्यूनिटी कम होने के कारण हमें कई सारे बाकी इन्फेक्शन हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि HIV और एड्स एक ही नहीं है हमें ये समझना है कि HIV सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वजह से फैलता है जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स एक ही नीडल शेयर करने से इन्फेक्टेड ब्लड HIV पॉजिटिव माँ अगर बच्चे को दूध पिलाए और अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही हो तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट होता है दोस्त अगर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी स्वर्ग भी बन सकती है लेकिन वही दोस्त अगर खराब मिल जाए तो जिंदगी नर्क से बदतर हो जाती है आपने देखा कि सुरेश ने अब तक क्या क्या किया अब देखते हैं कि कहानी के अगले पार्ट में क्या होता है सुरेश ने जो जो काम किए हैं उसकी उसे सजा मिलती है या उसका उसे मजा मिलता है तो अगली कहानी का पार्ट 10 साल बाद सुरेश की शादी हो चुकी है वो बहुत ही खुश है अपनी जिंदगी में लेकिन
अरे आ गए आप, इसलिए मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ, कहाँ था ना मैंने, अपनी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे मेरा हल तो है। कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे है। आइए आइए बैठिए। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब इनकी तबीयत काफी दिनों से खराब है, इनका वजन दिन ब दिन घटते जा रहा है, अरे कभी कभी इंफेक्शन हो रहे हैं, बुखार आता है, बार बार पसीना आता रहता है। ठीक है मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के देती हूँ, आप वो टेस्ट करवा लीजिए। गायत्री इनका ब्लड सैंपल ले लो और मैंने टेस्ट लिख दी है वो टेस्ट करवा लो। तो दोस्तों सुरेश बीमार है, सुरेश अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, अब वो अस्पताल गया है, लेकिन अब उसके बाद उसने टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या सुरेश फिर एक बार अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा कि नहीं पाएगा, देखते हैं कहानी के अगले पार्ट में। आपके रिपोर्ट आए हैं, हम देखते हैं। ठीक है डॉक्टर। आई एम वेरी सॉरी टू से बट रिपोर्ट के अनुसार आप HIV पॉजिटिव हो और सिम्टम्स देख के ऐसे चांसेस है कि आपको एड्स हुआ है। क्या वो कैसे हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे अपनों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी पूरी जिंदगी खत्म है अब तो। मैम आप अपना भी टेस्ट करवा लीजिए। अजीब दास्ता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी ना वो समझ सके ना हम। तो दोस्तों जो होना था तो हो गया, लेकिन अब क्या, अब विशाल की जिंदगी सच में खत्म हो गई, हो गई अभी भी वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। तो जानते हैं कुछ जानकारी फिर से एक बार हमारे सच्चाई के फरिश्तों से कि क्या होने वाला है। अफवाह ये है कि HIV हो गया तो मौत तय है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर HIV को पहले ही डायग्नोज कर लिया जाए तो हम उसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग नामक दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो इंसान मरेगा ही, बट वो इंसान अच्छा साधारण जीवन जी सकता है। अब तक की कहानी आप सबने लिखी, विशाल असल सुरेश अच्छा है, आप सब ध्यान दे रहे हैं, थैंक यू। तो सुरेश की जो बीमारी है वो आप सबके सामने आने लगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब घर वाले साथ दे तो हम पूरी दुनिया काबू में कर सकते हैं। तो देखते हैं अब कहानी का अगला हिस्सा, सुरेश के घर। घर से कैसे खोलेंगे, बताना तो पड़ेगा ना। माँ जी आ गए डॉक्टर के पास से, क्या बोला डॉक्टर? माँ जी वो रिपोर्ट चाहिए। बाबू जी बेटे को इधर मुका ला कर आके क्या कर दिया है रे तू? वो मां मैंने एक मसला मजी को हमें एक एज है। क्या मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, चलो तू ही सही मुका ला करके आएगी कल मुखी निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मत, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसे बाहर निकाल दो, सुनिए तू बीमारी दिए निकल यहां से, सुना मत मुझे नहीं तो तेरी गंदी बीमारी मुझे भी हो जाएगी। माजी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या प्रेग्नेंट, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे बेटे को तेरी बीमारी दे दी, अब मेरे आने वाली पीढ़ी को भी देगी क्या? निकल जा यहाँ से, मर जाओ अपने साथ।
भाई इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। अब कहाँ जाएंगे हम, हमें तो घर से निकाल दिया गया है, अब कहाँ रहेंगे हम? देखते हैं अपने दोस्तों के पास से, शायद वो कुछ मदद कर दे। ठीक है। जग सुना सुना लागी, जग सुना सुना लागी, कोई न मेरा जग अपना। जग सुना सुना लागी, जग सुना सुना लागी, कोई न मेरा जग अपना। जग सुना सुना लागे। तो दोस्तों घर से तो निकाल दिया गया, लेकिन विशाल के पास अपना जॉब था। थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन। तो सुरेश के पास अपना जॉब था, ठीक है, लेकिन वो उस जॉब के दम पर वो अभी भी अपनी जिंदगी नॉर्मल सुधार सकता था। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा, सुरेश के जॉब के साथ क्या होने वाला। पर मैं अपने बॉस को कॉल करके देखता हूँ, कुछ पैसों की मदद हो गई तो। हेलो, गुड इवनिंग मैम, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। मैम वो थोड़े पैसों की जरूरत थी, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया घर पर। मैम वो घर से बाहर निकाल दिया, मैं तो थोड़ा अर्जेंटली पैसे चाहिए थे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मैम वो एक बीमारी हो गई है, मतलब कैसे बोल। मैम वो कौन सी बीमारी? मैम वो एड्स हुआ है मैम। मैम कल से अपनी शक्ल मत दिखाना, जितने पहले के पैसे हैं वो आके लेके जाओ। हेलो 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 हेलो, क्या कहा आपके पास में? उन्होंने फोन कट कर दिया, बोलते कि कल आके रेजिग्नेशन दे दो। और ठीक है, तुम्हारे दोस्तों के पास जाते हैं, मदद की है, वो भी तुम्हारी मदद कर ही देंगे। चलो। तो सुरेश का जॉब चला गया है, सुरेश का जॉब चला गया है, उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया है। अब उसके पास एक ही चीज बची है, जो मतलब कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, कितना भी इंसान अमीर हो, लेकिन ये चीज अगर किसी के पास नहीं हो तो वो भिखारी है। कौन सी? यस। तो देखते हैं आप सुरेश का साथ उसके दोस्त देंगे कि नहीं। चलो नॉक नॉक। अरे सुरेश, सरिता कितने दिन बाद दिखे हो, आओ आओ। क्या हुआ, तुम दोनों काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ मैं तबियत खराब है थोड़ी। हमें तो एड्स है। क्या एड्स? लेकिन यहाँ पे कैसे आना हुआ तुम्हारा? हमें घर से बाहर निकाल दिया है, तो बस कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं। वो तो हम भी गाँव जाने वाले हैं, मैं आपको बताने ही वाली थी। सॉरी सॉरी, आपको चाय पानी कुछ नहीं? नहीं नहीं, ठीक ठीक, चलो चलो यहाँ कुछ। आपके दोस्तों ने तो मदद करने से इनकार कर दिया है, अब कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ एक है जो शायद हमारी मदद कर सकता है, मेरे कॉलेज का दोस्त रमेश। तो चलिए वहाँ जाते हैं। चलो देखते हैं, शायद वो करेगा मदद शायद। नॉक नॉक। भाभी जी नमस्ते, रमेश है? सुनिए। अरे भाई जी, आइए ना अंदर, बाहर के बाहर।
चाय पानी कुछ लेंगे आप? अरे भाई क्या हुआ, ऐसे बीमार क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? अरे वो क्या बताऊँ, मतलब यार कैसे वो हमें ना एड्स है। क्या एड्स? हाँ भाभी जी, दो मिनट में आप लोग के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। यहाँ पर भी वही है। कहाँ जा रहे हो? अरे रहने दे, हम कहीं चले जाएंगे, पता है यहाँ कुछ मुझे। ठीक है भाई, चल हम जा रहे हैं। बीमारी इतनी भी पक्की नहीं है कि सालों की दोस्ती तोड़ दे। मैं एक महीने पहले प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वहाँ मुझे पता चला कि एड्स छूने से, साथ में रहने से या फिर गले लगाने से नहीं फैलता। तुम इस बीमारी के साथ नॉर्मल जिंदगी भी जी सकते हो। कैसे? मैं दूंगा तुम्हारा साथ, हम भी देंगे तुम्हारा साथ, हम सब देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कुछ सीखने को मिला? क्या मिला? अब आपको कोई ऐसा नहीं ऐसा पेशेंट मिला तो आप उसका हाथ लगाओगे? आप उसके साथ खाना खाओगे? आप उसके साथ अपनी नॉर्मल जिंदगी बिताओगे? ये कहानी खत्म होने से पहले फिर एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सच्चाई के फरिश्तों से। एक एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट से के साथ खाना खाने से, हाथ मिलाने से या गले मिलने से एचआईवी फैलता है, ये अफवाह है, ये गलत है। किसी को छूने से या किसी के साथ रहने से एचआईवी नहीं फैलता है। अफवाह यह है कि अगर एक एचआईवी पॉजिटिव महिला प्रेग्नेंट है तो उसका होने वाला बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव होगा। सच ये है कि एचआईवी पॉजिटिव महिला अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ले रही हो तो सिर्फ और सिर्फ 1% चांस है कि उसका बच्चा भी एचआईवी पॉजिटिव होगा। अफवाह यह है कि मच्छरों और कीड़ों से एचआईवी फैलता है। हकीकत यह है कि एचआईवी वायरस ह्यूमन बॉडी के बाहर सिर्फ कुछ ही समय के लिए जीवित रहता है, इसीलिए कीड़ों से या मच्छरों से एचआईवी नहीं फैलता है। आप ये समझिए कि एचआईवी इन चीजों से नहीं फैलता, जैसे कि हवा, पानी, सलाइवा, पसीना, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, ग्लोव ग्लोव किसिंग, साथ खाना खाने से एंड टॉयलेट शेयर करने से। तो दोस्तों आज हम सब मिलके शपथ लेते हैं। आप अपने हाथ अपने दिल पर रखिए प्लीज। हम जागतिक एड्स दिन के अवसर पर सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम इस एचआईवी के डर को हमारे दिल से हमारे कैंपस से हमारे शहर से हमारे देश से और पूरी दुनिया से मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो हमारे साथ मिलो, आओ मिलो जोर से बोलो एचआईवी को आओ मिलो, जोर से बोलो एचआईवी को जड़ से मिटाओ। आओ मिलो जोर से बोलो एचआईवी को जड़ से मिटाओ।